चुनाव ही एक ऐसा समय है जब नेताजी को असली आईना जनता दिखाती है, वरना 5 साल तो नेता आपको सिर्फ ठेंगा दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के मोहल्ला मुड़िया पनई के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर टांगा तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जमकर शेयर करना शुरू कर दिया। पर जनता भी करे तो क्या करे माई बाप, जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उसको उसी भाषा में आखिर इस कलयुग में समझाना ही पड़ता है। शायद नेताजी को भी वोट की कीमत समझ आ जाए और लोगों को इस बहाने सड़क मिल जाए। रोड के चक्कर लगाया है और यहाँ बच्चों को समस्या होती है, निकलने में पानी भर जाता है बारिश में, हमारा रोड बन जाए हम वोट दे देंगे। अभी तक कोई आया है? प्रधान जी का प्रधान जी नहीं लगवाया है, बहुत चुनाव हो गए हैं, कोई नहीं वोट डलवा रहा है। तो आप अगर कोई नहीं आता तो आप क्या करेंगे? रोड बनवा दें, वोट डाल देंगे। वोट अगर नहीं बनता तो वोट नहीं है? वोट नहीं है, नहीं है, पक्का है। मेरा नाम कमलेश है। आप लोगों ने बैनर लगा रखा है? ये रोड के लिए बैनर लगा रखा, कोई नहीं सुनता है, हर किसी से कह रही है, प्रधान से भी कही है, अगर आज मंत्रियों से भी कहिए, हर किसी से कहिए, वीडियो से भी कहिए, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। मतलब कम से कम ये 28 साल हो गए हमें रहते रहते यहाँ। कई चुनाव हो चुके, हर बार प्रधान जी कहता आप डलवा देंगे, आप डलवा देंगे, लेकिन कभी नहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अब आप क्या करेंगे? आज आपने बैनर लगा दिया, अगर कोई हम आए या ना आए, हमें वोट नहीं देना है। रोड पड़ेगा तो वोट जाएगा, रोड नहीं पड़ेगा तो वोट नहीं जाएगा। पूरा मन मना लिया। रोड नहीं क्या मामला है? मामला है कि जिसमें 20-25 सालों से रोड ऐसा ही है, लगभग कमर भर तक का पानी भर जाता है, बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। जबकि अभी मतदान में कुछ दिन बाकी बचे हुए हैं, तो क्या कोई प्रत्याशी आया यहाँ? प्रत्याशी कोई नहीं आया है, पर आएंगे। हमारे कॉलोनी वासी कह रहे हैं कि जब तक प्रत्याशी आएंगे पहले रोड बनेगा, उसके बाद ही वोट डालने जाएंगे। अगर कोई प्रत्याशी नहीं आता वोट मांगने तो कॉलोनी के लोग, कहना है कि वोट डालने नहीं जाएंगे। तो कैसे पता लगेगा? किसी प्रशासन को आपने बताया कि वोट नहीं देंगे या फिर ऐसे ही लगा के रह जाएगा? ये नहीं, अभी खाली बयान डाल दिया, अपनी बात को कह रहे हैं आपके माध्यम से, और जब इस पर कार्रवाई होगी, रोड बनेगा तो वोट डालने जाएंगे।